ऑल दी बाइकर्स, आज हम आए हैं ब्लूवर्ड सिटी में। ये चक्री रोड के ऊपर वाकया एक स्कीम है और द ब्यूटी ऑफ चक्री रोड इज दिस कि जिस तरह अमेरिका जो है सुपर पावर बना है तो उसने सारे जितने भी सिविलाइजेशन उसको कन्वर्ज किया, उसको ऑब्जॉर्व किया है और आज अमेरिका में एवरीबॉडी इज़ लिविंग इंडिपेंडेंट लाइफ। इसी तरह चक्री रोड में भी जो थीम है वो वही है कि यहाँ पर आप यू सी इट इज़ द ग्रीस कल्चर, देन देयर इज़ अ टर्किश कल्चर, देन देयर आर सो मेनी कल्चर्स। तो जो सोसाइटी बन रही है वो एक कल्चर लेके आ रही है, यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और दिस ये जो हॉर्स है इसकी अपनी एक तारीख है, बच्चों को पता है इसके बारे में। बाकी जो इस सोसाइटी का जो सबसे बड़ा मुझे एक लगी है चीज़ कि सोसाइटीज़ में पहले लोग घर बनाते हैं। इस सोसाइटी ने जो अपने आप को फोकस किया है वो पहले कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर किया है। दैट मींस दे आर गोइंग टू डेवलप द थीम पार्क, दे आर गोइंग टू डेवलप द स्कूल्स, दे आर गोइंग टू डेवलप द क्लब्स और इंटरेस्ट इनकी बड़ी खूबसूरत है। तो जब ये जो सिविक फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होती हैं तो फिर वो लेके आएंगे बीच में अपने लोगों को भी और यहाँ पर जो प्लॉट है वो एलोकेट करेंगे उनको। अभी तक जो इनका फोकस है वो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर है, जो कि एक बहुत ही शानदार इनका प्लान है। अदरवाइज़ लोग आते हैं उनको वो कम्युनिटी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती, उसके बाद देन दे आर रनिंग फॉर द स्कूल्स, दे आर रनिंग फॉर द हॉस्पिटल्स। तो ये माशाल्लाह इनका जो है वो जो ब्रेन चाइल्ड है, इट इज़ रियली रियली वर्थ प्रेजिंग कि ये सबसे पहले अपनी जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं उनको यहाँ पर डेवलप करेंगे, कमीशन करेंगे, ताकि जब उनके रेजिडेंट्स यहाँ पर आएँ तो उनको वो चीज़ें डोर स्टेप के ऊपर मिलें। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान बरकी है, मैं आज यहाँ पर ब्लू वर्ल्ड सिटी में आया हूँ। तो माशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत जगह है, इन्होंने बड़ी उसको ज़बरदस्त उसको इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है और ज़बरदस्त इन्होंने प्लॉटिंग की हुई है। तो हम सारे बाइकर्स वाले यहाँ पर आए हैं और हमें सबको ये सेशन भी दे रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी आएँ और आके इसका ज़रूर विज़िट करें और देखें कि इन्होंने कैसे प्लॉटिंग की हुई है। मतलब अभी भी इन्होंने ये वाटर थीम पार्क भी है पीछे और आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। ये सेकंड कप भी यहाँ पे बना हुआ है, तो डेवलपमेंट इनकी हो रही है, तेज़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। तो जितने आप व्यूअर्स हैं जो आप ये मैसेज सुन रहे हैं, आप ज़रूर यहाँ पर चक्कर लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद नियाज़ी है और मैं भी एक छोटा सा बाइक राइडर हूँ, टूर्स करता हूँ। आज इस्लामाबाद पिंडी के कुछ बाइकर्स हैं, हमने मिलके एक टूर प्लान किया जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में हम आए, तो हम उसके लिए सारे इकट्ठे हुए। बाकी ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में आपको बताते चलूँ, ज़बरदस्त इनकी एंट्रेंस है, बड़ी एंट्रेंस है, ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त सड़कें और ज़बरदस्त उन्होंने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बाकी ये हॉर्स कोर्स कोर्ट्स मैस कोर्ट्स हैं, ये दो ज़बरदस्त किस्म के हॉर्स बने हुए हैं। फिर इसके पीछे आप देखो सेकंड कप जो कॉफ़ी है ये भी इन्होंने बना दिया है यहाँ पे। फिर ये कि जो पीछे है स्पोर्ट्स वैली बन रही है इनकी, जिसमें बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि फैमिलीज़ को, लोगों को जो भी यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिटी से बाहर कहीं रहना चाहते हैं, तो ये एक ज़बरदस्त लोकेशन है पिंडी के आउटस्कर्ट्स में। यहाँ आपको लाजमी आना चाहिए फैमिली के साथ और इसको इन्जॉय करना चाहिए, और ये एक लिविंग पैराडाइज आप कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हलीम है, आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की राइड पे। तो इधर आके हमें एक तो जो रूट यहाँ पे आता है बड़ा मज़ेदार किस्म का, स्पेशली बाइकर्स के लिए तो ये एक हेवन है। और फिर जब हम यहाँ पे एंटर हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी में तो बड़ी ग्रैंड किस्म की एंट्रेंस है, जिनका गेट है इस वन ऑफ अ काइंड, तो बड़ा इम्प्रेसिव है। रोड्स बड़ी ज़बरदस्त हैं। फिर ये जो हॉर्स मैस्कट्स हैं ये भी वन ऑफ अ काइंड है, यानी इस किस्म की चीज़ हमने पहली दफ़ा देखी है पाकिस्तान में किसी हाउसिंग सोसाइटी में। इससे आगे इनका वो बन रहा है वाटर पार्क बन रहा है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वन ऑफ बिगेस्ट अट्रैक्शन बनेगा इन कमिंग डेज। और अगर उससे आप आगे जाते हैं तो फिर स्पोर्ट्स सिटी बन रहा है, उसके अंदर इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और क्रिकेट आपको पता है सबसे बड़ी अट्रैक्शन है पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है और हम कहते हैं कि जल्दी ये डेवलप हो ताकि ये इस किस्म की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो और यहाँ पे आने का बार बार हमें मौका मिले और सब लोग जो है ना इधर लुत्फ़ अंदोज़ हो और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच।